सर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। इट्स कॉल्ड अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस। अरे बाबू शादी में गया, आनंद वो संजना शादी में गई हुई है। देखो अब प्रकाश से थोड़ा प्रैक्टिस करो बाबू, ये आप एसपी वर्मा की बुक उसका रीडिंग मारो लाइट चैप्टर, कल सुबह बच्चे का टेस्ट देना। सर एक्सी वर्मा वाला सर वो गूगल पे भी निकलता है, पता नहीं बाबू देख लेना निकलता है, उसका ऑनलाइन भी मिल गया करता होता है, वो मिलता है लेकिन सर खरीदना पड़ता है ऑनलाइन पीडीएफ में देखने के लिए भी, फ्री में रेंट भी लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फ्री में सब कुछ था। नेक्स्ट बाबू रेडियो सब कर भी अच्छा। सर अभी नहीं हुआ, एक मिनट जल्दी करो जल्दी करो। सर प्रिंसिपल के बाद हाँ सर ठीक है। सर पहला हाफ रिकॉर्ड हुआ था? हाँ बाबू। ऐसे कर देते बाबू है ना, इन फिगर बाबू इसी में लिख लेना, इन फिगर बाबू लाइन आरपी आरएस ले लो बाबू, लाइन बाबू आरएस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस को पीए नहीं लिखा? नहीं बाबू पीए नहीं लिखे बाबू, ठीक है ना। उधर क्या देख रहे हो प्रकाश सिंह? एगो कौन नहीं आया? सौम्या नहीं आई, सौम्या कनेक्ट नहीं हुई। ओम शर्मा जल्दी लिखे। बैच ए का टेस्ट देना है आप लोग का टेस्ट बाबू, कल दोगे बाबू बैच बी की छुट्टी मारोगे? स्टूडेंट नहीं है तो छुट्टी दे दीजिए ना। अरे शैतान उसका, पिछले वीक में भी बैच बी वाला नहीं हुआ था बाबू, छुट्टी कैसे दे सर? क्लास छुट्टी कहाँ हुआ था? अच्छा क्लास हुआ था, चलो ठीक है। सर 20,000 मार्क्स का 10 क्वेश्चन सर, बहुत सिंपल लगता है बनाने में। 40 क्वेश्चन हो जाएगा फिर, 40 नंबर का। सर हो गया, चलो ठीक सर। नेक्स्ट एक टाइम हाँ बाबू बोलिए अच्छा ना बोलिए कम से कम। 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दो, मुझे ब्लर दिख रहा है। अच्छा ठीक है सेता, आप काम से थाने सब जाने। नेक्स्ट एक टाइम है बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब क्या है सर? ये सब बाबू स्फेरिकल मिरर का टर्मिनोलॉजी है। मैथ का टर्मिनोलॉजी क्या है सर? एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रॉफिट लॉस, ये सब क्या मैथ में सब वर्ड यूज होता है। उसी तरह से बाबू लाइट चैप्टर में बाबू, लाइट चैप्टर के स्फेरिकल मिरर बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस है ना बाबू, ये सब वर्ड यूज होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बाबू? कुछ नहीं है। अच्छा शांत बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बाबू? कुछ नहीं, ये स्फीयर है बाबू, ये स्फीयर है ना बाबू। तो इस स्फीयर का बाबू, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, सर्किल आप लोग पढ़े हो ना, तो सर्किल का जो रेडियस होता सर है ना, सर्किल का रेडियस होता ना, तो उसी तरह से ये स्फीयर है बाबू। इस स्फीयर को खोलो तो इसके बीच में क्या एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर होगा, और सेंटर से बाबू सरफेस तक, इसके सरफेस तक, सेंटर से बाबू इसके सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो स्फीयर का जो रेडियस होता है बाबू, जो स्फीयर का रेडियस होता है, जो स्फीयर का रेडियस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो रेडियस ऑफ ये कर्वेचर कहते हैं। ये बाबू मान लो स्फीयर है, ये टोटल का टोटल स्फीयर है, तो इसका बाबू एक बीच में कहीं सेंटर होगा। मान लो यहाँ पे क्या है सर? सेंटर है सर, यहाँ पे क्या बाबू? सेंटर है, और सेंटर और इसका बाबू सर्फेस है, इसका सर्फेस से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो जो स्फीयर का रेडियस है, जो बाबू स्फीयर का रेडियस है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रेडियस ऑफ बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। तो इसमें बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बाबू ये मिला लो बाबू, यही ना लाइन है बाबू, ये सेंटर हो गया सर, स्फीयर का सेंटर ये हो गया सर, और यहाँ से सेंटर ये पोल हो गया बाबू। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही मेरा क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये भी रेडियस हो सकता है सर, इधर से इधर मान लो है ना बाबू, सीपी है ना बाबू। रेडियस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक सर्किल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। मान लो एक सर्किल है सर, तो इधर रेडियस, ये भी रेडियस हो गया सर, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस, इनफिनाइट रेडियस पॉसिबल है, ठीक है ना। इन्फिनाइट एक सर्किल में वो इन्फिनाइट रेडियस पॉसिबल है ना।
तो बाबू ये भी रेडियस हो सकता है सर, ये भी रेडियस हो सकता है, इधर से ऐसे लाइन ज्वाइन करा देंगे तो ऐसे रेडियस हो सकता है ना बाबू, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जनरली बाबू हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जो पास करता है उसी को इंडिकेट करें, है ना बाबू? ठीक है बाबू। तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करें बाबू, कैसे डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बाबू हम लोग रेडियस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से है ना बाबू, आर से, ठीक है, आर से बाबू, आर से, ठीक है बाबू। तो इसको डिफाइन करो बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करो, है ना, डिफाइन करो बाबू, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाबू, द रेडियस ऑफ कर्वेचर The radius of curvature, बाबू। The radius of curvature, बाबू। Curvature का radius को radius of curvature कहते हैं। नहीं बाबू, ऐसा कर दो। The radius of a sphere, बाबू। Sphere का ना। The radius of a sphere, sphere का जो radius हो बाबू, sphere का जो radius हो उसी को क्या कहेंगे? Radius of curvature कहेंगे। The radius of a sphere, बाबू। Of which, the radius of a sphere, बाबू। Of which, the mirror form. Of which बाबू the mirror forms is known as radius of curvature, ठीक है, is known as बाबू radius of curvature। कुछ नहीं, बच्चा का चीज है बाबू, सब थर्ड फोर्थ क्लास का, आप लोग तो 6-7 में चल गए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? कैपिटल आर से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, ये सब याद रखना, रिप्रेजेंटेड याद रखना, इसे तो आर से करेंगे सिंपल। हाँ, ये सब याद रखना बाबू, क्यों सर? क्योंकि मिरर फॉर्मूला में इसको यूज करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो फिगर में मेरा कौन सा होगा सर? यही पीसी है बाबू, यही मेरा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो पीसी है बाबू, यही क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, यही क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फ्रॉम फिगर बाबू, या इन फिगर कर दो, इन फिगर बाबू, सर आपका नेटवर्क खराब है, रुक रहा है। अरे शैतान, ऐसे कैसे होगा? अच्छा देखते हैं, इन फिगर बाबू पीसी क्या होगा? पीसी इज बाबू रेडियस ऑफ, ब्लैक आउट हो गया सर पूरा, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। आपका वीडियो कटा हुआ है सर, पीसी नहीं दिख रहा सर, कहां पे आप पीसी लिखे हैं? अच्छा ठीक है, वीडियो कटा हुआ वो अलग बात है सेता, ठीक है, वीडियो कटा हुआ तो हम कर देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ब्लर भी दिख रहा है, ब्लर कैसे दिखेंगे बाबू? हाँ सियोना, ब्लर दिख रहा है बाबू, अब ठीक हो गया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा चलो, बगल में बाबू राउटर है, फिर भी ब्लर दिख रहा। इन फिगर बाबू, पीसी बाबू इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिगर में जो बाबू पीसी है ना, वो क्या है बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, राइट डाउन करो। नेक्स्ट एक टर्म है बाबू फोकस, एक टर्म क्या बाबू? फोकस पर बताते हैं, फोकस सर। हाँ बाबू फोकस लिखो इसको, फिर बताते हैं, इसका वीडियो दिखाते हैं, पहले वीडियो दिखा देते उसके बाद फोकस बताएंगे ना, फोकस बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे। हाँ शैतान जल्दी लिखिए, सोलर कुकर देखो खाना बनाने के लिए सिखा रहे हैं, लिख ले बाबू, लिखे तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो अपना प्रॉफिट। सर बहुत ब्लर है सर, ब्लर है प्रकाश सिंह? नो सर, वो उसका नेटवर्क खराब हुआ था, वो उसका शैतान का सर, उसका भी नेटवर्क तो बढ़िया दिखा रहा है। चलो ठीक है बाबू, देखो शैतान क्या है, आपको पहले बाबू लेफ्ट राइट वाला कन्वर्जन बता देते हैं ना बाबू, लेटरल इन्वर्जन बता देते हैं।
और एक आपको मोबाइल नहीं है नारायण? नारायण हाँ सर, मोबाइल नहीं, मोबाइल और नहीं बाबू, क्या मोबाइल है? है सर बहुत सारा है पर काम का नहीं है सर। हाँ तो क्या फायदा बाबू, सर ऊपर टाइम भी दिखा रहा है। टाइम बाबू, हाँ टाइम दिखा रहा है, 7 बज गया। एंड्रॉइड है बाबू, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता ना, इधर वाईफाई का शो भी कर रहा होगा। हाँ सर 7:03 हो गया। हाँ बाबू तो एंड्रॉइड है बाबू, तो एंड्रॉइड में टाइम दिखाएगा ना, प्रोजेक्टर भी एंड्रॉइड है सर, आईओएस प्रोजेक्टर का भी दीजिएगा। चलो ठीक है, समझो से काम। पहले बाबू हम लोग लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं, इसको शैतानी है। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे ना बाबू, सर अभी लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था, इन फिगर पी ओ या कुछ और था? पीसी 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 पीसी, ये ट्राइपॉड है शैतान। चलो अच्छा बात है, वीडियो थोड़ी ना। देखो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ठीक है, ये देखो बाबू एक लड़का है ठीक है, क्या एक लड़का है ना बाबू, एक लड़का है, एक स्टूडेंट है बाबू। मिरर के सामने क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मिरर के सामने क्या हो रहा है, शैतान खड़ा हो रहा है। मेरा स्टिक कहाँ गया ठीक है, ये अभी कल से बता रहे थे बाबू, कन के मिरर कन के। चलो नहीं है, छोड़ो ना बाबू, समझो ना, ये बाबू स्टूडेंट है ठीक है, तो स्टूडेंट बाबू मिरर के ऐसा था बाबू, स्टूडेंट बाबू मिरर के सामने ऐसे हैंड करके खड़ा हो गया, तो मेरा क्या होगा, राइट हैंड है बाबू, राइट हैंड होगा। अब मिरर में बाबू, जब मिरर में बाबू आप देखोगे तो मिरर में ऐसे इमेज आपको दिखाई देगा। अरे शैतान, हमने बाबू देखो मिरर कैसे खड़ा होंगे, तो ये मेरा राइट हैंड होगा है ना बाबू। अब मिरर में इमेज कैसे बनेगा सर, मिरर में इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अब ये राइट हैंड बाबू क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड बाबू अब मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा शैतान, लेफ्ट हैंड हो जाएगा है ना बाबू, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे ना बाबू। तो वही होता है, लेफ्ट वाला बाबू क्या होता है, राइट हो जाता है, राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे शैतान, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। बात समझ में आता है, हाँ शैतान, तो फेस आएगा तो ब्राइट होगा ही ना। ये आपका क्या, देखो ये आपका क्या स्फेरिकल मिरर है, दिस वन इज द स्फेरिकल मिरर, ये आपका स्फेरिकल मिरर है ना बाबू, ये आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्या स्फेरिकल मिरर है। अब इसी मिरर से बाबू थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल दो, इसी मिरर से हम लोग चाह रहे सर इतना पार्ट करके निकाल दें, इतना पार्ट कट करके क्या कर दे, निकाल दें है ना, इतना होता है। अरे शैतान काहे नहीं हो सकता बाबू, क्यों नहीं हो सकता, टूट भी तो जाएगा सर, थोड़ा भी प्रेशर पड़ा। अरे बौधा वाला क्वेश्चन काहे बोलता है, हर एक चीज का सेपरेट होता है ना बाबू, अरे मैंने बाबू मैंने उसको क्या रखा जाता है, प्रिकॉशन से रखा जाता है ना ठीक है। तो बाबू इतना पार्ट अगर काट करके निकाल देंगे बाबू है ना, इतना पार्ट कट करके अगर निकाल दोगे, इतना पार्ट है ना बाबू, इतना पार्ट कट करके निकाल दो, उसके बाद पॉलिश करो किधर करोगे, तो बाहर से सरफेस दिखोगे, बाहर से अगर फेस दिखोगे तो मेरा क्या होगा, कन्वेक्स दिखाई देगा, अंदर से देखो तो क्या दिखाई देगा, कनकेव दिखाई देगा, कनकेव दिखाई देगा है ना ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, ये बाबू क्या है आपका, ये बाबू आपका सोलर कुकर है ठीक है ना, ये सोलर कुकर है, शांति से देखो, ये बाबू आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर, मान लो यही आपका क्या शैतान, स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा क्या टोटल के टोटल स्फेरिकल मिरर है ना बाबू, ये स्फेरिकल मिरर है। ये किसका माइक ऑन है जी, तो माइक किसका इतना ऑन है, माइक ऑन किसका, मेरा नहीं, अलोक बाबू, अलोक बाबू म्यूट कीजिए, अलोक माइक को म्यूट कीजिए बाबू, मेरा छड़ी कहाँ चल गई, सबसे कहने से ये सब। हाँ चलो यहाँ मिला ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इमेज से, ये जो दिख रहा है बाबू, ये मेरा क्या है, स्फेरिकल मिरर हो गया, ये क्या हो गया, ये जो दिख रहा है स्फेरिकल मिरर हो गया है ना बाबू, तो स्फेरिकल मिरर हो गया। तो इसका बाबू जो सबसे सेंटर बीच वाला पॉट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे।
और यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये मेरा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। और बाबू ये किसी ना किसी स्फीयर के बना, इसको मान लो पूरा कंप्लीट कर दो, पूरा का पूरा क्या कर दो, गोल कर दो, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, सेंटर आएगा बाबू, तो पोल और सेंटर से मिला दोगे तो उस लाइन को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे बाबू एक टर्म आएगा फोकस, फोकस तो देखो बाबू इधर से टॉर्च ऑन करो, क्या करो बाबू, इधर से बाबू मान लो ऊपर से क्या रहा है, सनलाइट आ रहा है, इधर से क्या कहें बाबू, इसमें तो टॉर्च ऑन करेंगे है ना, इधर से बाबू मैं टॉर्च ऑन कर रहा हूँ किस पे सर, स्फेरिकल मिरर पे ऐसे क्या किया, टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन किया, ऑन किया ना बाबू ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे बाबू इधर से टॉर्च ऑन किया तो मिरर पे क्या पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर बाबू जिस पॉइंट पे जमा होगा, जिस पॉइंट पे जमा होगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस, उस पॉइंट को क्या कहेंगे बाबू, फोकस। अरे ऐसे टॉर्च ऑन करो ना बाबू, है ना, तो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होगा ना, मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा बाबू किसी एक पॉइंट से पास करेगा, है ना बाबू, एक पॉइंट से पास करेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर का फोकस कहेंगे, ठीक है। तो देखो ये बाबू यहाँ क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, क्या कर रहा बाबू, खाना बना रहा है ना, तो ये बाबू मेरा कौन सा मिरर होगा प्रकाश सिंह, कौन सा मिरर बता दो, देखने से कैसा लग रहा है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, कॉनकेव, हाँ ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। अब बाबू ऊपर कौन है बाबू, ऊपर माने माने वो है सूर्यदेव है ना बाबू, सन सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव क्या के बाबू, लाइट दी, तो लाइट कहाँ आएगा बाबू, ये सारे मिरर पे आएगा, सारे मिरर पे लाइट आएगा है ना बाबू, सारे सरफेस पे आएगा, और सारा लाइट बाबू रिफ्लेक्ट होकर सारा लाइट, ठीक है ना, सारा लाइट बाबू एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, जमा हो जाएगा, सारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे क्या होगा, जमा हो जाएगा है ना, तो सारा लाइट का एनर्जी, सारा लाइट का एनर्जी बाबू मान लो इस बर्तन को मिलेगा, इस बर्तन को क्या करेगा, नीचे से क्या करेगा, लाइट इसी पॉइंट पे क्या करेगा, जाकर जमा हो जाएगा, और इसमें जो भी चीज रखा बाबू आप क्या कर सकते हो, उसको खा सकते हो, क्या करो बाबू, ड्राई पक जाएगा, पक जाएगा तो उसको खा सकते हो। देखो इसका वीडियो दिखाते हैं, सर्कल मिरर, ठीक है। तो बाबू इसको आप जुगाड़ से बना सकते हो, जुगाड़ से बना सकते हो, कैसे जुगाड़ कर सकते हो सर, तो एक छतरी ले लो, क्या ले लो, अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला ले ना बाबू, और उस पर बाबू ये आपका ये होता है ना बाबू, ये क्या बोलते हैं, अरे जिसमें खाना हम लोग पैक करते हैं बाबू, फाइल, फाइल अल्मीनियम फाइल, अल्मीनियम फाइल, अल्मीनियम फाइल, उस छतरी को अल्मीनियम फाइल से भर दो, ठीक है बाबू। तो देखो इसको कैसे जुगाड़ करके बनाया है, इसका वीडियो आपको दिखाते हैं। कन्वेक्स लेंस है बाबू, थैंक यू, लिखे क्लास 3-4-5 वीडियो लिखे ना, बहुत परेशान करता, सारा आप ही लोग के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं इसमें, सब आप ही का सर, आवाज है, हाँ बाबू आ रहा, यस एच ह्यूमन आई, क्या होता है, अरे पढ़ाएंगे ना वो, काहे इतना थी परेशान करते हो, हद करते हो, जो चीज देखोगे वही चीज पर पूछना शुरू कर दोगे, तो वैसे तो वह पूछेंगे तो हो जाएगा, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी कई दिन हुआ आयला स्कूल में, हाँ देखो यहाँ वो यहाँ सोलर कॉनकेव है ना, वो सोलर कॉनकेव देखो, ये शैतान जो बनाया वो है, ठीक है छोड़ो, देखो वो कैसे जुगाड़ करके बनाओगे, ये क्या लिया वो, अम्ब्रेला लिया, क्या लिया, अम्ब्रेला लिया, देखो कैसे करके जुगाड़ करके बना रहा है, अम्ब्रेला लिया बाबू, कट रहा है, तो अम्ब्रेला पे क्या किया, अल्मीनियम फॉइल चढ़ा दिया, क्या क्या वो अल्मीनियम फॉइल चढ़ा दिया है ना, अल्मीनियम फॉइल आप लोग देख रहे क्या बाबू, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और इसी को बाबू सोलर कुकर भी कर सकते हैं, और इसके हैंडल पे क्या रख दो बाबू, कुकर कोई बर्तन रख दो, यूटेंसिल्स रख दो, खाना बन के तैयार हो जाएगा, खाना बन के तैयार हो जाएगा, यही बाबू मेहनत कर रहा था, ये बाबू इंडियन जुगाड़, सस्ता में अम्ब्रेला ला बाबू, अल्मीनियम फॉइल भी सस्ता मिल जाता है 100-200 में है ना, उसको पूरा पैक कर दो एक पॉइंट पे, यहाँ पे बाबू जो जो इंटेंसिव है ना, यहाँ पे एक स्टैंड बना दो, खाना बनाओ आराम से, तो ये बाबू क्या हो गया, यही आप तो हो गए बाबू, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया है ना, तो इसका आगे यूज बताएंगे, तो इसमें बाबू सारा ले रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ना सर, इंसिडेंट होगा ना, तो एक पॉइंट पे जाके फोकस करेगा, मान लो यहाँ पे बाबू क्या, ये बर्तन रखा, देखो यहाँ पे क्या रखा, एक होल्ड करने के लिए रखा, तो सारा रे ऑफ लाइट बाबू, सारा रे ऑफ लाइट था, सारा रे ऑफ लाइट आके इसी पॉइंट पे क्या होगा, फोकस होगा, इसी पॉइंट पे आके मिलेगा सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू, फोकस कहेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, फोकस कहेंगे, है ना, फोकस कहेंगे, ठीक ठीक है। तो यही बाबू कॉनकेव मिरर है ना, कन्वेक्स क्या, उल्टा कर दोगे तो कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा है ना, कन्वेक्स हो जाएगा। अब इसमें खाना बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है, देखो बाबू बना के लगता है ये सेल भी कर, देखो देखो शैतान,
ये हो गया सब, क्या कर रहा अपना अपना। ये देखो बाबू, ये कहीं शो लगता होता होगा शायद, ठीक है ना, तो वहीं में ये बाबू शो कर, देखो सनलाइट के बीच में लाया, सन के बीच में लाया है ना बाबू, खाना बनाएगा उस पे जो रख, इस पे मान लो कुछ रखेगा बॉइल हो जाएगा। अच्छा ये स्कूल में टाइम हो गया था। हाँ बाबू स्कूल में होता नहीं है, वही बाबू शो करने का होगा, तो कम से कम इसको कंप्लीट। अब देखो ये क्या बना, मान लो बाबू राइस का मिक्सचर है तो रोटी बन जाएगा, राइस का मिक्सचर बाबू है ना, राइस का मिक्सचर है, मान लो राइस का आटा होता है ना शैतान, ठीक है। अरे छोड़ो बाबू, देखो हिट हो गया, हिट हो गया सर, ये तो नॉर्मल खाने की तरह लगेगा। अरे से काहे नहीं लगे बाबू, चीज पक गया बाबू तो नॉर्मल क्या, उसमें कोई आर बहुत, ये तो नेचुरल है, इसमें तो सूरज देव जी हैं, गणेश में कुछ भी बना सकते हैं ना। हाँ बाबू ये तो और बढ़िया चीज है बाबू, चलो ठीक है सेता, यही था बाबू, कल हम लोग कल आप लोग का बाबू क्लास करोगे, छोटा करके बनाएंगे, एल्युमिनियम फॉइल मंगा दीजिए। हां एल्युमिनियम फॉइल मंगा दीजिए सर, टेस्ट ले लीजिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, कल सुबह 7 बजे आप लोग टेस्ट दे देना, तो स्टूडेंट कितना आएगा बाबू आप लोग दे देना फिर भी। ओके सर, ठीक है सर, बाय बाय बाबू, बाय 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 सर, वो सब बाय बाय बाबू, वो सब लिंक भेजते हैं, बाय बाय बाबू, लिंक तो भेजा हुआ ही रहता है ना। हाँ वही लिंक रहता है, फिर भी भेजेंगे, नया बच्चा बाबू सब नहीं भेजेंगे तो वही वो नहीं करेगा जैसा, ठीक है बाबू एंड कर रहे हैं आप लोग, बाबू फिर से ज्वाइन करो।